मेरी बात देखो, दुनिया में जितना ज्यादा रिएक्टिव जो होगा वो उतना ही कम सिलेक्टिव होगा। फिर से बोल रहा हूँ, दुनिया में जितना ज्यादा जो रिएक्टिव होगा वो उतना कम सिलेक्टिव होगा बेटा, उतना कम सिलेक्टिव होगा, क्लियर है। और जो जितना ज्यादा सिलेक्टिव होगा, जो जितना ज्यादा सिलेक्टिव होगा उतना ही कम रिएक्टिव होगा। हमारा डीएनए यहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर है बेटा, यहाँ पर हमारा डीएनए स्टेबल स्ट्रक्चर है, स्टेबल स्ट्रक्चर, उसको सिलेक्टेड चीजें चाहिए। हे बच्चों, मैं हूँ अभिनव कुमार, आप मुझे देख रहे हैं क्लियर सेफ ट्यूटोरियल्स पर। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के नॉमेनक्लेचर देख लिए थे बेटा। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड को फॉर्मूला वाइज अगर कैसे बनाए, फॉर्मूला, पूरा फॉर्मूला स्ट्रक्चर अच्छे से देख लिया था, कैसे भाई राइबोस के साथ नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है न्यूक्लियोसाइड बनाने के लिए, कैसे न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट जुड़ता है आपका न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए, ठीक है। अगर एक फॉस्फेट जुड़ा तो कैसे मोनोफॉस्फेट हम बनाते थे, दो फॉस्फेट जुड़ा तो डाईफॉस्फेट, तीन फॉस्फेट जुड़ा तो ट्राईफॉस्फेट, इस तरीके से अपन ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड बना दिया था विथ रिलेशन टू राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर, राइट। अब सुनो, अब हमने न्यूक्लियोटाइड तक की जर्नी तो समाप्त कर ली है ना, बिल्कुल एकदम इसमें मास्टरी हो गई भाई, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि अगर हमें न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना हो, सही, न्यूक्लियोटाइड को अगर जोड़ना हो तो उसको कैसे जोड़ेंगे भाई, ठीक है। तो देखो, डीएनए आरएनए बनाने के लिए हमें चाहिए लंबा चैन, किसका, न्यूक्लियोटाइड का, सही है, ओके। हमें लंबा चैन चाहिए न्यूक्लियोटाइड का, मतलब पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चैन चाहिए। लेकिन हम डायरेक्टली पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाएंगे क्या, अगर वैसे बनाएंगे तो हम सीख नहीं पाएंगे। हम उससे पहले क्या करेंगे, पहले दो न्यूक्लियोटाइड को तो जोड़े, ठीक है ना। तो दो न्यूक्लियोटाइड अगर हम एक साथ जोड़ते हैं, अगर लिंक करते हैं दो न्यूक्लियोटाइड को, तो उसको बोलते हैं डाई न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। आज आप जोड़ना स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले चलो राइबोस से ही देख लेते हैं, आ जाओ देखो, ठीक है, एकदम ध्यान से नोट्स बनाते हुए चलना है बच्चों, ठीक है। ये रहा आपका, पहले ओ लगाया, फिर ये रिंग बनाई, ठीक है, इतना बेसिक सा जानते हो आप लोग, ठीक है। यहां पर हमने मान लो शुगर लगा दिया आपका, नाइट्रोजनस बेस लगा दिया अपना प्यूरीन, क्लियर। प्यूरीन अगर लगाते हैं, ग्वानीन लगाया, ग्वानीन क्या है, प्यूरीन, और प्यूरीन ग्वानीन में, प्यूरीन में आपका दो रिंग होता है, सही है, इतनी बात क्लियर है। पुराना वीडियो जाके देखो जरा, लास्ट लेक्चर मैंने सारे कुछ बताए हुए हैं, ठीक है। तो ये दो रिंग लगा है ग्वानीन, अच्छा। यहां पर मैं क्या बना देता हूं, यहां पर लगा देता हूं एच, फिर मैं लगाऊंगा एच और ये क्या लगा दूंगा ओ एच, यहां पर लगा दूंगा एच और ये क्या लगा दूंगा ओ एच, और यहां लगा दूंगा, ध्यान से देखना बेटा, ये लगा दूंगा मैं सी एच टू, और फिर मैं इसके साथ जोड़ देता हूं, आ जाओ फॉस्फेट, एक फॉस्फेट जोड़ा, फिर मैंने दूसरा फॉस्फेट जोड़ दिया, ठीक है, चलो ये ओ नहीं लगाते डायरेक्टली, ये दूसरा फॉस्फेट जोड़ दिया, ये तीसरा फॉस्फेट जोड़ दिया, ठीक है। अब मुझे बॉन्ड बताओ जरा, इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, एन ग्लाइकोसिडिक, ये वाली जो बॉन्ड है, ये वाली बॉन्ड, ये कौन सी बॉन्ड कहलाएगी, ये वाली, ये एन ग्लाइकोसिडिक, क्लियर। ये वाली बॉन्ड कौन सी कहलाएगी, ये कहलाएगी फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, ये वाली बॉन्ड फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, ये वाली बॉन्ड एन ग्लाइकोसिडिक, ये वाली बॉन्ड कौन सी कहलाएगी, ये फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड, फिर अगेन कौन सी बॉन्ड कहलाएगी, फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड कहलाएगी। जब दो एसिड मिलते हैं तो फॉस्फो एनहाइड्राइड, दो एसिड मिलते हैं तो एनहाइड्राइड बॉन्ड बनता है, और जब एसिड और अल्कोहल मिलते हैं तो क्या बनता है बेटा, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड बनता है, क्लियर, ईस्टर बॉन्ड बनता है, कोई दिक्कत है। तो इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर अपन ने यहाँ पर बॉन्ड्स बनाए थे, ठीक है। अच्छा, अगर शुगर और नाइट्रोजनस बेस आपस में जुड़ते हैं तो उनके बीच में बनता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, सही है, यहां तक क्लियर है। ये अपनी कौन सी शुगर है बेटा, ये है राइबो शुगर। क्यों राइबो शुगर है, क्योंकि यहां पर ओ लगा हुआ है, अगर यहां पर ओ नहीं लगता, सिर्फ एच लगता, तो क्या होता है, ये डीऑक्सीराइबो शुगर होता। यहां तक मैंने बिल्कुल एकदम अच्छे से करवाया था। अब ध्यान से सुनना, अब अपने को दूसरे राइबोस को जोड़ना है इसमें, तभी तो जाके डाई न्यूक्लियोटाइड बनेगा, क्लियर, ठीक है। तो आ जाओ दूसरा राइबोस बनाते हैं। दूसरा राइबोस बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये करो सिंपल, फिर से अगेन दूसरा राइबोस बनाओ, ये ले लिया, इस बार अपन नाइट्रोजनस बेस दूसरा ले लेते हैं, चलो लो एडेनिन ले लेते हैं बेटा। एडेनिन भी क्या है, प्यूरीन है आपका, तो दो रिंग हो जाएंगे, कोई दिक्कत है, दो रिंग हो जाते हैं इसमें, सही है। यहां पर OH ले लिया, ये ले लिया H, ये ले लिया H, ये ले लिया OH, कोई दिक्कत। अब सुनो ध्यान से मेरी बात, यहां पर अपने पास क्या था, ध्यान से देखना बेटा,
ये था CH2, फिर था O, फिर ये P, डबल बॉन्ड O, OH, फिर था, ध्यान से सुनना, ध्यान से, बहुत ध्यान से, फिर था अपने पास O, P, डबल बॉन्ड O, OH, फिर था O, P, डबल बॉन्ड O, OH, सही है? ओके, हाँ ठीक तो है, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? P हो गया, ओके, सॉरी बच्चा, यहाँ पर गड़बड़ हो गया, ये ओके, सॉरी, हाँ, अब देखो, ये हो गया आपका P, O, और फिर P, डबल बॉन्ड O, OH, ठीक, और यहाँ पर भी एक OH लगेगा, मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर एक और मैं बना नहीं रहा हूँ, कुल मिलाकर तीन फास्फेट आपके साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, तीन फास्फेट ये जुड़े हुए हैं कुछ इस तरीके से। अब सुनो, दो फास्फेट, दो अपने को दो न्यूक्लियोटाइड जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, दो न्यूक्लियोटाइड जोड़ने के लिए सुनो क्या करना पड़ेगा, ध्यान से, यहां से मुझे इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, यहां से तोड़ना पड़ेगा, अब तोड़ूंगा तो मुझे मेरे पास क्या आ जाएगा, ये OH आ जाएगा, सही है, और यहां पर भी मेरे पास ये OH आ जाएगा, सही है, ये बॉन्ड टूट गया, और ये क्या हो गया, ये वाले दोनों फॉस्फेट रिमूव हो गए बच्चों, ये दोनों फॉस्फेट क्या हो गए, रिमूव हो गए, हट गए दोनों फॉस्फेट, देख लो भाई, देख लो, दो फॉस्फेट हट गए वापिस से, मैंने पानी निकाल दिया, मतलब पानी फिर से वापिस से डाल दिया इसमें, और मेरे पास यहां OH लग गया, उधर भी वो फॉस्फेट अलग चला गया, सही है, आ जाओ अब सुनो, ध्यान से सुनो, ये बॉन्ड मेरे पास कौन सी कहला रही थी, ये कहला रही थी फॉस्फो ईस्टर, सही है, ठीक है, मैं क्या करूंगा, ये OH मेरे पास क्या है बच्चों, ये OH है मेरे पास एसिड, ध्यान से देखना, और ये OH मेरे पास क्या है, ये OH है मेरे पास अल्कोहल, अल्कोहल, सही है, मैं क्या करूंगा, इन दोनों को लिंक करूंगा, और जब एसिड और अल्कोहल, एसिड और अल्कोहल मिलता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा, ईस्टर बॉन्ड, यानी कि यहां पर कौन सा बॉन्ड होगा, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, सही है, अरे बोलो हाना, क्लियर है, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड बन जाएगा बेटा, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम, ये बन जाएगा फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, अब सुन मेरी बात ध्यान से, ये है एक फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, ये है दूसरा फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, दोनों फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड को मिला के तुम क्या बोल दोगे, क्या फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड नहीं बोल सकते हो क्या, इसको तुम फॉस्फो फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड नहीं बोल सकते हो, समझ में आई बात, ये फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड होता है, सर बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो गया, थोड़ा आसान करके बताओ, आजा करते आसान, ले जरा देख यहां पर, इधर पर देखना, इसी को थोड़ा मैं तेरे को फॉस्फोडाइस्टर का फील दिलाता हूं, देखो ये रहा मेरे पास, ये रहा शुगर, ठीक है, ये शुगर रहा, यहां पर मैंने लगा दिया, एकदम सेम वही स्ट्रक्चर बना रहा हूं, जी ये लगाया एच, ये यहां पर एच, ये ओ एच, ये लगाया एच, ये लगाया ओ एच, सही है, और ये लगाया यहां पर सी एच टू, एक ही फॉस्फेट जोड़ देते हैं क्योंकि दो तो रिमूव ही हो जाए, ठीक है, एक ही फॉस्फेट जोड़ देते हैं, चलो ठीक है, ओके, अब सुनो मुझे क्या करना है, दूसरा शुगर लेना है, लो दूसरा, दूसरा मतलब दूसरा न्यूक्लियोटाइड लेना है, लो दूसरा न्यूक्लियोटाइड बना रहा हूं मैं, ये रहा मेरे पास ए, ए है तो दो रिंग होगी, ये हुआ एच, ये हुआ ओ एच, एच ओ एच, अब ये रहा आपका, ये रहा बेटा यहां पर, ध्यान से देखना बेटा, ये रहा नीचे आपका H और ये रहा H, यहां पर भी नीचे H था, यहां पर भी नीचे H था, छूट गया था, ठीक है, अब सुनो ध्यान से सुनो, यहां पर जो मेरे पास ये बॉन्ड आगे चली जाएगी,
ये OH हटा के, ठीक है, और ये मेरे पास ये जुड़ जाएगा, सही है, ये मेरे पास जुड़ जाएगा और ये बीच में फॉस्फेट आ गया। कोई दिक्कत है? अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, जरा ध्यान से देखो, गौर से देखो इस स्ट्रक्चर को, ठीक है। एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोइस्टर बॉन्ड, ये एक फॉस्फोइस्टर बॉन्ड, ये वाली, ये देखो, ये फॉस्फोइस्टर बॉन्ड, ये वाली फॉस्फोइस्टर बॉन्ड, और दूसरी फॉस्फोइस्टर बॉन्ड ये, ठीक है। मान लो इसको मैं ए बोलता हूं और इस वाले को मैं बी बोलता हूं, सही है, ठीक है। इस वाले को मैंने ए बोल दिया, इस वाले को मैंने बी बोल दिया, ये ए फॉस्फोइस्टर और बी फॉस्फोइस्टर दोनों मिला के क्या बनाएंगी? फॉस्फोडाइस्टर, शॉर्ट में लिखता हूं पीडी, क्लियर है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बेटा, ठीक है। अब जरा नंबरिंग देख लो, नंबरिंग जरा देखो, 1-2-3-4-5-5 एंड पर क्या जुड़ा हुआ है? फॉस्फेट, सही है। अच्छा, यहां पर अगेन 1-2-3-4-5 से आपका यहां पर ये जुड़ा हुआ, क्लियर है, फॉस्फेट, क्लियर है। अब सुनो, यानी कि एक बात अपने को समझ में आ गई कि हर नया न्यूक्लियोटाइड थर्ड कार्बन पर आके जुड़ेगा बेटा, है ना, 3-OH से आके जुड़ेगा, सही है, थर्ड प्लेस से आके जुड़ेगा, कोई दिक्कत है? और इसीलिए इसीलिए जो हम न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चैन बनाते हैं उसमें एक एंड आपकी 5- हो जाती है जिससे फॉस्फेट जुड़ा होता है, और एक एंड आपकी लास्ट एंड हो जाती है 3-3, क्लियर है। अच्छा, एक चीज और, यहां पर मैंने डैश डैश क्यों लगाया सर? अभी तक जो नंबरिंग कर रहे थे आप तो सीधे 1-2-3-4-5-6-7-8 ऐसे मार दे रहे थे, ठीक है, अब डैश काहे लगाया? सुनो मेरी बात, जब तुम देखोगे प्यूरीन के स्ट्रक्चर को या पायरिमिडीन के स्ट्रक्चर को, वो भी कैसी है, रिंग है ना, वो भी कैसी है भाई, रिंग है। अपनी प्यूरीन कैसी रिंग होती थी? दो रिंग होती थी उसमें, 9 मेंबर की रिंग होती थी, दो होती थी। और वही पायरिमिडीन को देखते थे, पायरिमिडीन आपका कैसा होता था? सिंगल रिंग होता था, सही है, और सिंगल रिंग होता था वो 6 मेंबर की रिंग होती थी, क्लियर है। अब मान लो कि हमने वहां पर नंबर दिया 1-9 तक दे दिया, चल भाई ठीक है, कोई डैश ओस कुछ नहीं लगाया। यहां पर भी हमने नंबर दे दिया 1-5 तक, एकदम कोई डैश ओस नहीं लगाया। अरे अगर कोई पूछ देगा, बताओ ये वाला 1-2-3-4 और वो वाले 1-2-3-4 में क्या डिफरेंस है, कैसे बता पाओगे? ठीक है, बात समझ में आ रही है, ठीक है ना भाई, देखने वाला कंफ्यूज हो जाएगा कि किस कौन से किसकी बात कर रहे हैं, कौन से। तो इसलिए यहां पर डिफरेंशिएट करने के लिए भैया इस रिंग को उस प्यूरीन के रिंग से या पायरिडीन के रिंग से डिफरेंशिएट करने के लिए यहां पर डैश 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 लगाते हैं बेटा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो कभी भी अगर डिफरेंशिएट करना हो आपको दो रिंग को, तो भैया एक रिंग में क्या करो, नॉर्मल लेटर लिख दो, दूसरे में डैश लगा दो, बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है? तो इस तरीके से तुम्हारा बनता है डाई न्यूक्लियोटाइड का चैन, सही है, दो न्यूक्लियोटाइड, डाई न्यूक्लियोटाइड। मेरे हिसाब से यहां पर बात समझ में आ गई होगी बेटा, क्लियर है, कोई दिक्कत है? स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो फटाफट से, जल्दी से एकदम, बिल्कुल देरी नहीं करनी है, कोई दिक्कत, आ जाओ ध्यान से देखेंगे थोड़ा। अब अपन आगे का सफर बढ़ाते हैं अपना पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब जरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड देखते हैं भाई, वो कैसे बनेगा, है ना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड को देखते हैं कि वो कैसे बनेगा। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड को देखते हैं जरा कि वो कैसे बनेगा, जाओ देखते हैं। अब आओ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, डीऑक्सी का भी बनाएंगे और राइबोस का भी बनाएंगे, डीऑक्सी राइबोस का भी बनाएंगे और राइबोस का भी बनाएंगे, पहले राइबोस वाला बना लेते हैं। आ जाओ देखो, ये मिला, हमने लिया राइबोज, R से हो गया राइबोज, इससे हमने जोड़ दिया
नाइट्रोजनस बेस में मान लो पहले जोड़ दिया जी, जी के लिए दो रिंग लगाएंगे, बहुत सही। यहां पर है मेरा थ्री प्राइम, ये थ्री प्राइम है ठीक है, और यहां पर है मेरा फाइव डैश फॉस्फेट। फाइव डैश से मेरे पास क्या जुड़ा हुआ है बेटा, फाइव डैश से मेरे पास जुड़ा हुआ है ये फॉस्फेट जुड़ा है ये फाइव डैश कार्बन से, और ये क्या है थ्री प्राइम। और इससे अब इधर से मैं यहां पर अगेन फिर से लेके आऊंगा क्या, ये ध्यान से देखा, ये रहा मेरे पास फॉस्फेट और फिर मैंने यहां पर लिखा फाइव डैश और ये मेरे पास आ गया नया शुगर देख आर, और यहां पर मैंने लगा दिया ए, ये मेरे पास हो गई दो रिंग, क्यों दो रिंग, क्योंकि है प्यूरीन। और फिर मैंने अगला लिया ठीक है ये थ्री प्राइम और फिर लगाया फॉस्फेट, फिर मैंने लगाया नया शुगर, लो देखो देख रहे हो ये नया शुगर, और ये फिर यहां पर मैंने लगा दी मान लो साइटोसिन जब लूंगा तो एक ही रिंग क्योंकि पाइरिमिडीन है, और फिर ये मेरे पास कौन सा प्राइम हो जाएगा फाइव प्राइम, फिर मैंने लिया यहां पर थ्री प्राइम और थ्री प्राइम लिया, फिर से लगाया फॉस्फेट लगाया यहां पर है फाइव प्राइम ठीक है, फिर मैंने इसको जोड़ा शुगर के साथ, यहां पर मेरे पास क्या हुआ बेटा, यहां पर मैंने लिया अगला राइबोस चल रहा है ना, तो यहां पर ले लेता हूं यूरैसिल, क्लियर है, यूरैसिल जब लूंगा तो ये पाइरिमिडीन है एक ही रिंग है ये भी राइबोस, और लास्ट में यहां पर क्या आ जाएगा फिर अगेन आ जाएगा थ्री प्राइम, देख रहे हो एक एंड फाइव प्राइम और एक एंड थ्री डैश, एक एंड फाइव डैश और एक एंड थ्री डैश आ गया, क्लियर है। सर यहां पर आप थाइमीन क्यों नहीं लिए, यूरैसिल क्यों ले लिए, देखो बेटा राइबोज वो शुगर है जो किसमें इस्तेमाल होता है आरएनए में इस्तेमाल होता है, डीऑक्सीराइबोज वो शुगर है जो किसमें इस्तेमाल होता है वो आपका डीएनए में होता है ठीक है, आपका ध्यान से सुनना मेरी बात को कि राइबोज के अंदर क्या होता है आपका यूरैसिल इस्तेमाल होता है इन प्लेस ऑफ थाइमीन, क्लियर है, क्यों भाई देखो ध्यान समझो, यूरैसिल जो है इट इज अ मोस्ट रिएक्टिव बेस, क्या है यूरैसिल मोस्ट रिएक्टिव बेस, और वही अगर हम थाइमीन को देखें बेटा थाइमीन आपका रिएक्टिव ज्यादा नहीं है वो थोड़ा स्टेबल है, और डीएनए को अपने को क्या चाहिए स्टेबिलिटी चाहिए बेटा, डीएनए को क्या चाहिए स्टेबिलिटी होते हैं, ध्यान से सुनना बच्चों मेरी बात, देखो दुनिया में जितना ज्यादा रिएक्टिव जो होगा वो उतना ही कम सिलेक्टिव होगा, फिर से बोल रहा हूं दुनिया में जितना ज्यादा जो रिएक्टिव होगा वो उतना कम सिलेक्टिव होगा बेटा, उतना कम सिलेक्टिव होगा, क्लियर है, और जो जितना ज्यादा सिलेक्टिव होगा उतना ही कम रिएक्टिव होगा। हमारा डीएनए यहां पर कौन सा स्ट्रक्चर है बेटा, यहां पर हमारा डीएनए स्टेबल स्ट्रक्चर है, उसको सिलेक्टेड चीजें चाहिए, उसको स्टेबल चीजें चाहिए, तो इसलिए यूरैसिल आपका मोस्ट रिएक्टिव बेस होता है, वो डीएनए में इस्तेमाल नहीं होता है, डीएनए में क्या इस्तेमाल होता है यूरैसिल के जगह पर थाइमिन, और राइबोज अपना आरएनए जो है हमारा आरएनए उतना ज्यादा स्टेबल नहीं है ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है यूरैसिल होता है, इसके अंदर क्या होता है यूज यूरैसिल होता है। लाइफ में बेटा कभी भी सिलेक्टिव बनो रिएक्टिव मत बनो, क्या बनो सिलेक्टिव बनो रिएक्टिव मत बनो, कोई दिक्कत है कोई प्रॉब्लम, यहां तक क्लियर हुई बातें ठीक है। अच्छा अब सर इसका बना दिए, मान गए डीएनए का बना के जाओ आ जाए कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान है, देख ये देख डीऑक्सीराइबोज डीआर आपका सपना डॉक्टर, क्लियर है, यहां पर लगाया ग्वानिन दो रिंग हो जाएंगी, क्यों क्योंकि प्यूरीन है, ये लगाया अपन ने फाइव डैश ठीक है फाइव प्राइम फॉस्फेट लगा हुआ है ठीक है, फिर यहां पर थ्री प्राइम ये लगा फॉस्फेट, अगला शुगर आ जाओ डीआर, अगला न्यूक्लियोटाइड लगा रहे हैं अपन ठीक है, यहां पर लगा दिया अपन ने ए, फिर दो रिंग यहां पर ये कौन सा फाइव प्राइम, फिर ये थ्री प्राइम, फिर उसके बाद फॉस्फेट, ये फिर फाइव प्राइम, अगला शुगर यानी अगला न्यूक्लियोटाइड ठीक है, यहां पर अब की बार ले लेते हैं चलो साइटोसिन, और साइटोसिन के बाद फिर थ्री प्राइम, फिर फॉस्फेट, फिर क्या ले लिया बोलो, फिर क्या ले लिया ये ले लिया अपन ने फाइव डैश, यहां पर डी आर अगला न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं, और इस बार क्या लिखूं यहां पर यूरैसिल लिख दूं क्या, ना यूरैसिल नहीं लिखेंगे सर, थाइमिन लिखेंगे, क्यों रीजन बता दिया गया,
क्लियर है, यहाँ पर कौन सा एंड हो जाएगा, यहाँ पर 3-OH एंड हो जाएगा, यहाँ पर 5-फॉस्फेट हो जाएगा। बोलो सही है, कोई दिक्कत है? तो ये वाली जो चैन हुई, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो चैन हुई, ये आपकी क्या हो जाएगी बेटा, ये डीएनए में इस्तेमाल हो सकती है, और ये वाली पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चैन जो है ये आपकी आरएनए में इस्तेमाल हो सकती है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो यूज हुआ है वो आपका राइबोस शुगर यूज हुआ है, और आपका यहां पर जो शुगर यूज हुआ है वो आपका डीऑक्सीराइबोस शुगर यूज हुआ है। क्या समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात? अब ऐसे ही दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन को तुम मिला देते हो तो तुम्हारे पास क्या बन जाता है बेटा, ऐसी दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन को मिला देते हो तो क्या बन जाता है, डीएनए बन जाता है, डीएनए की डबल स्ट्रैंड बन जाती है इस वाले, ठीक है। और ऐसे एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन को मिला देते हो तो तुम्हारे पास आरएनए बन जाता है, जिसमें एक साइड 5' रहती है और एक साइड 3' रहती है, इधर पर भी एक साइड 5' रहती है और एक साइड 3' रहती है, यहां पर एक साइड 3' हो गया और यहां पर क्या हो गया बेटा, ये एक साइड 5' हो गया। कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? अब जरा मैं देखो, ध्यान से देखो, यहां पर इसको मिटा रहा हूं थोड़ा बेटा, ठीक है, ध्यान से देखना बेटा। चलो इसको मिटा देता हूं, उसको रहने देता हूं, ठीक है, इसी को मिटा देता हूं। अच्छा ध्यान से देखो, एक चीज हमने सीखी पहली कि जो भी नया न्यूक्लियोटाइड होगा, ईच न्यू न्यूक्लियोटाइड विल कम एट 3' एंड। कोई दिक्कत है? ध्यान से देखो बेटा, यहां पर समझना, ठीक है, यहां पर समझना ध्यान से। जो यहां पर बैकबोन है इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन का, जो बैकबोन है वो आपका शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट से बना हुआ है। क्लियर? शुगर फॉस्फेट से बना हुआ है। तो बैकबोन जो है, बैकबोन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन का बैकबोन जो है वो किससे बना हुआ है, शुगर प्लस फॉस्फेट, फॉस्फेट। सुनो, मतलब ये जो डंडी दिख रही है आपको, ये किसकी बनी हुई है, शुगर प्लस फॉस्फेट। ये डंडी जो दिख रही है, ये धागा जो दिख रही है आपको, किसका बना हुआ है, शुगर प्लस फॉस्फेट। सर अब देखो, यहां पर तुमने लगाया नाइट्रोजनस बेस, ये क्या लगाया बेटा, ये लगाया नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, ये लगाया नाइट्रोजनस बेस, ये नाइट्रोजनस बेसिस लगाती। तो नाइट्रोजनस बेस जो है NB, ये क्या करते हैं, ये प्रोजेक्ट करते हैं इनसाइड, प्रोजेक्ट इनसाइड, अंदर की तरफ प्रोजेक्शन है ना इसका, देखो अंदर की तरफ प्रोजेक्ट है। कोई दिक्कत है, बात समझ में आ रही है, ये अंदर की तरफ प्रोजेक्ट है, क्लियर है। अच्छा अब मेरे पास अगर मैं इसको देखूं, ये क्या है, ये है आपका बेस पेयर, बेस पेयर्स बीपी, ठीक है। बेस पेयर को मैं क्या बोलूंगा, बेस पेयर में, एक बेस पेयर में कितने नाइट्रोजनस बेस होंगे, टू नाइट्रोजनस बेस बेटा, क्लियर है। हमेशा एक बेस पेयर में कितने नाइट्रोजनस बेस होंगे, आपका एक बेस पेयर में दो नाइट्रोजनस बेस पेयर होंगे, नाइट्रोजनस बेस होंगे, सही है। अच्छा देखो, ध्यान समझना, और ये है आपकी, अगर मैं इन दोनों के बीच में, दो बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस देखता हूं, डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स, तो वो कितनी होती है मेरे पास, 0.34 nm, सही है। वो कितनी होती है बच्चों, वो होती है 0.34 nm। अच्छा अगर मैं ये लेंथ देखता हूं, ये वाली लेंथ, ठीक है, ये इसको बोलते हो तुम डायामीटर, डायामीटर बोले तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन, ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन के बीच में ही तो डिस्टेंस है, तो इसको तुम बोलते हो डायामीटर, सही है। डायामीटर कितना हो जाता है बेटा, ये हो जाता है आपका, ये हो जाता है 2 nm, ये क्या हो जाता है 2 nm, एंगस्ट्रॉम में लिखोगे 20 एंगस्ट्रॉम हो जाए, सही है, कोई दिक्कत है। अब बेस पेयर के कुछ रूल होते हैं, बेस पेयर के कुछ रूल होते हैं, ठीक है, ध्यान समझना। हमेशा हमेशा आपका जो होगा ए जो होगा वो हमेशा टी के सामने आएगा, क्लियर है। जी जो होगा वो हमेशा सी के सामने आएगा,
ध्यान रखना, जब ए टी के सामने आएगा तो इसके बीच में रहेंगे आपके दो हाइड्रोजन बॉन्ड, और जब जी सी के सामने आएगा तो इसके बीच में रहेंगे आपके तीन हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो यहां पर ये क्या है, टू हाइड्रोजन बॉन्ड, टू हाइड्रोजन बॉन्ड, सही है। और यहां पर क्या है, यहां पर आपके हैं जी सी के बीच में थ्री एच बॉन्ड। इससे क्या फायदा हुआ सर, इससे ये फायदा हुआ कि ये जो लैडर है बेटा, ये लैडर है पूरा, ठीक है, ये लैडर, इसकी डिस्टेंस जो है ये एकदम यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म डिस्टेंस, राइट, ठीक है, ये यूनिफॉर्म राइट हैंडेड कॉइल फैशन में ऐसे ऐसे, तो यूनिफॉर्म डिस्टेंस रही बेटा, ये यूनिफॉर्म स्टेबिलिटी इसको मेंटेन कर रहा है, डीएनए की स्टेबिलिटी को मेंटेन कर रहा है, क्लियर है, कोई दिक्कत है। ये हो गया आपका इतना, सही है, इतनी बातें मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होंगी बेटा, बाकी की चीजें अपन नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताना चाहूंगा, ठीक है, कि बहुत लोग हो रहे हैं कि भाई वीडियो पर आ तो रहे हैं, ठीक है, और पट से चले जा रहे हैं, ठीक है, और चले जा रहे हैं, आप पूरा नहीं देख रहे हो, ठीक है, ओके, ठीक है, और पूरा देखने की कोशिश कीजिए बेटा, अगर नहीं अच्छा लगे तो मेरे को कुछ सुझाव दीजिए, उस पर काम होगा, ठीक है, और पूरा वीडियो देखिए आप, बड़ी मेहनत से बनाई जा रही है वीडियो, आपके लिए ही बनाई जा रही है, तो पूरा वीडियो देखें, ठीक है, ओके, बहुत अच्छी नॉलेज आपको मिलेगी इसके अंदर, आप ईमानदारी से देखने की कोशिश कीजिए और रिस्पॉन्स दीजिए अपने, ठीक है, कमेंट सेक्शन में थोड़ा लिखिए, क्लियर, चलो मिलते हैं बच्चों, नमस्कार, जय हिंद बच्चों, क्लियर।